दोस्तों, गुवाहाटी जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित असम राज्य का सबसे बड़ा शहर है, ये शहर पूरी तरह से प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ है। यहाँ न सिर्फ राज्य बल्कि पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र की विविधता साफ तौर पर देखी जा सकती है। यहाँ दशकों से विभिन्न जाति, धर्म और क्षेत्र के लोग आपस में मिलजुल कर रहते आ रहे हैं, जिससे यह जगह विविधताओं से भरा पड़ा है। इतिहास से पता चलता है कि गुवाहाटी को पहले प्रयाग ज्योतिषपुर के नाम से भी जाना जाता था, जिसका अर्थ है पूर्व का प्रकाश। मुगलों ने कई बार असम पर आक्रमण किया, पर गुवाहाटी में प्रवेश के दौरान उन्हें हर बार शिकस्त झेलनी पड़ी। अथवा पूर्वोत्तर का केंद्र होने के कारण गुवाहाटी व्यावसायिक रूप से इंडिया का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट सिटी है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जैसे केंद्रों के कारण ये शहर शिक्षा के मामले में भी देश के किसी भी शहर से पीछे नहीं है। यहाँ की अनुमानित लिटरेसी रेट 91.47% की है। इसके अलावा गुवाहाटी पर्यटन स्थलों से भरा पड़ा है। यहाँ के कामाख्या मंदिर को घूमे बिना गुवाहाटी की यात्रा अधूरी मानी जाती है। यहाँ के ब्रह्मपुत्र नदी किनारे से आप सरिया घाट पुल का विहंगम नज़ारा देख सकते हैं। एंड अगर आप अपनी लाइफ में कभी गुवाहाटी जा रहे हैं तो यहाँ का असम स्टेट म्यूजियम, गुवाहाटी तारामंडल और शहर के ढेर सारे मंदिरों को देखना ना भूलें। इसके साथ ही सांस्कृतिक दृष्टि से भी ये शहर काफ़ी समृद्ध है, जहाँ पर बिहू और दूसरे उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। वहीं गुवाहाटी के लोग खान पान के भी बड़े शौकीन होते हैं। यहाँ के स्ट्रीट फूड्स में चाउमीन, मोमोस, थुक्पा और डक करी शामिल हैं, जो कि बेसिकली बत्तख के मीट से बनाई जाती है। और अब जान लेते हैं इस शहर की इकोनॉमी एंड यहाँ के ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। तो 2011 सेंसस के मुताबिक गुवाहाटी की कुल आबादी 11.2 लाख लोगों की है, और ये शहर 216 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ है। यहाँ का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर शहर की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान देता है, जिसमें पेट्रोलियम रिफाइनरी और यहाँ का टी मैन्युफैक्चरिंग शामिल हैं। वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी गुवाहाटी देश के बाकी हिस्सों से अच्छे से जुड़ा हुआ है। यहाँ पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। साथ ही शहर में लोकप्रिय गोपीनाथ बोर्डोलोई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भी है। वहीं सड़क मार्ग के जरिए भी गुवाहाटी देश के अन्य हिस्सों और नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों से जुड़ा